चलिए फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 देख लेते हैं। तो आज बिना मावा बिना चीनी के एक ऐसी मिठाई बताऊंगी जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी घी ले लिया है। कटोरी एक कोई भी सेट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप सारे मेजरमेंट ले लीजिएगा। तो आधा कटोरी घी ऐड कर लिया है। जब घी हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप यहाँ राजगिरा का आटा। राजगिरा का आटा ग्लूटेन फ्री होता है और व्रत में भी खाया जाता है। जब घी गर्म हो तभी आप इसमें ऐड करिएगा और इसे जल्दी से मिलाते जाइए। ये आटा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और ये मिठाई ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगी फ्रेंड्स। तो घी अगर आप चाहे तो 2 से 3 चम्मच कम भी रख सकते हैं। अब आटे को हमें अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। बस आपको मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यूस चलाते हुए इसे भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स 1 कप से थोड़ा सा कम मूंगफली क्रश की हुई। मूंगफली को मैंने भून लिया था, उसके छिलके हटा के इसको इस तरह से मैंने कूट लिया है, दरदरा ही रखा है फ्रेंड्स। इससे इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। अब जब ये 95% इस तरह से भून जाए तब आपको इसमें 2 चम्मच ग्रेटेड कोकोनट डालना है। ये सूखा नारियल है फ्रेंड्स, सूखा नारियल का पीछे का छिलका हटा के मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। ये डालेंगे तो इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा और स्वाद भी एकदम खिलके आएगा। देखिए ये डालने के बाद आपको 1 मिनट ही चलाना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको डाल देना है काजू बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं, और आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर। जब भून जाए तभी आप लास्ट में ही इलायची का पाउडर ऐड करिए। तो अब सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरह से हो चुकी है फ्रेंड्स। तो इसी टाइम पे मैं क्या करूँगी, गैस को ऑफ कर लेती हूँ और आधा कटोरी मैं यहाँ गुड़ डालूंगी। तो गुड़ आपके पसंद के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आप मीठा पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंगली। तो आधा कटोरी गुड़ मेरे हिसाब से इनफ है। तो गैस बंद करने के बाद ही आप डालें। तो ये टिप है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप गुड़ कोई भी रेसिपी में इंक्लूड करते हैं, अगर आप गुड़ को ज़्यादा पकाते हैं तो फिर वो चीज़ रेसिपी हार्ड हो जाती है, यानी बर्फ़ी आपकी हार्ड बन जाएगी। तो गैस को ऑफ करने के बाद ही आप अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि हमारा जो आटा था वो गर्म ही था। तो देखिए गुड़ पिघल चुका है। अब गैस को ऑन कर लेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे रखेंगे। 1 मिनट के लिए मैं इस तरह से इसे चला दूंगी और इसमें एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी वजह से एकदम माउथ मेल्टिंग मिठाई बनेगी। तो वो है दूध। 2 चम्मच मैं इसमें दूध डालूंगी। तो पहले 1 चम्मच डाला और इसे मिक्स कर लेंगे। दूध डालने की वजह से एकदम सॉफ्ट बन जाती है फ्रेंड्स मिठाई, और हफ्ते 10 दिन ये आराम से चलती है। टेंशन मत लो, सिर्फ 2 चम्मच आपको दूध ऐड करना है। और ये देखिए दूसरा चम्मच भी डाल दिया और इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। चलिए ये तो बन चुका है, गैस को ऑफ कर लिया है और यहाँ एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे इस तरह से घी से, और ये जो हमने बनाया है मिठाई इसको इसमें निकाल लेंगे और इसको सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ, ये प्लेट थोड़ी बड़ी है तो मैं इस तरह से इसको सेट कर लिया है, और ऊपर से आप जैसे भी गार्निश करना चाहते हैं उसे करें, या सिंपल भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसको हमें दबा देना है थोड़ा सा पिस्ता को ऊपर से, ताकि जब हम कट करें पीसेस तो पिस्ता निकले नहीं, ये सेट हो जाए। तो ये देखिए परफेक्ट हमारी बर्फी बनके रेडी है। अब हमें वेट करना है बस इसके ठंडे होने का, यानी रूम टेम्परेचर पे आने का। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्फ़ी एकदम ठंडी हो चुकी है। चलिए इसे कट कर लेते हैं। जैसे चाहे वैसे आप इसे कट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर थोड़ा वार्म में इसके लड्डू भी बना सकते हैं, बट मुझे बर्फ़ी परफेक्ट लगती है फ्रेंड्स। स्टोर करने में भी आसान होती है और बनाने में भी। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और वाव, एकदम हेल्दी और यमी ये राजगिरे आटे की बर्फ़ी रेडी है। ये देखिए ऊपर से पिस्ता लगाया है, 4 चांद लग चुके हैं, है ना, बहुत ही टेस्टी। और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा ये कितनी सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है। सच बताना, मुंह में पानी आया है कि नहीं? और आपने कभी इस टाइप की बर्फी ट्राई की है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए तोड़ के भी बता दिया कितना सॉफ्ट है। गुड़ की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, और वेट लॉस कर रहे हैं तभी भी आप इसे आराम से खा सकते हैं। हफ्ते 10 दिन इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के आप स्टोर कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये मिठाई की रेसिपी, ज़रूर मुझे कमेंट करें।
चलिए फ्रेंड्स अगले टिप देख लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स एक कटोरी बगर के चावल, जिसे समा के चावल भी कहते हैं, जिसे हम व्रत में खाते हैं। इसकी आज एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इसको अब मैं पीस लूंगी, अच्छी तरह से पोंछने के बाद मैं इसे पीस लूंगी और इसका आटा बना दूंगी। इसका आटा वैसे आपको ग्रोसरी शॉप में भी मिल जाता है, बट मैं घर पर ही मिक्सी में इसे पीस लेती हूँ। तो देखिए इसका आटा रेडी है, चलिए कुछ और तैयारी हम करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ ले लिए कड़ी पत्ते, और कड़ी पत्ते को आपको लंबा लंबा इस तरह से चॉप कर लेना है। पूरा कड़ी पत्ता डालते हैं तो बच्चे या बड़े सभी लोग निकाल लेते हैं, इसे चॉप करके आप डालिए फ्रेंड्स। और 3 हरी मिर्ची को भी मैं चॉप कर लूंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एकदम क्विक एंड इजी रेसिपी है, साथ ही में बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो व्रत में आप आराम से खा सकते हैं। 3 छोटे चम्मच मैंने घी ले लिया है, 1 चम्मच इसमें जीरा ऐड कर लेंगे, और जो हमने हरी मिर्च कट करी थी वो ऐड कर लेंगे। कड़ी पत्ता भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सा हमारा जो तड़का है वो रेडी है फ्रेंड्स। और अब मैंने 1 कटोरी समा के चावल लिए थे, तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूंगी। कोई भी 1 कटोरी ले ले मेजरमेंट के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली ही सारे मेजरमेंट ले लीजिएगा। तो 2 कटोरी मैंने पानी ऐड कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे व्रत का नमक, यानी सेंधा नमक, आपके स्वाद अनुसार आप डाल दें। और अब पानी को हम बॉयल होने देंगे। अब फ्रेश धनिया भी इसमें कट करके डालूंगी मैं। धनिया डालने से इसकी फ्रेशनेस बढ़ जाती है, और अगर आप लाल मिर्च खाते हैं व्रत में तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। व्रत क्या, आप ऐसे भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगी। देखिए पानी जब बॉईल हो जाए तब हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे, और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे आटा जो अभी हमने पीसा था, ये ऐड कर लेते हैं इसमें, और फटाफट से इसे मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फास्ट आपको करना होगा। यहाँ गैस अभी भी ऑन है फ्रेंड्स, और ये देखिए परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताया, तुरंत ही सारा पानी सोख हो जाएगा, और एक डो के फॉर्म में अब हमें इसे लाना है। ये देखिए 2 मिनट इस तरह से करेंगे तो ये देखिए पूरा अलग होने लग गया है, एक डो की कंसिस्टेंसी में आ चुका है ये। बस आपको स्पेचुला से इसे इस तरह से दबाते जाना है ताकि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहे। देखिए एकदम शाइनी और स्मूथ ये डो बन गया है। तो 2 मिनट ही आपको डालने के बाद इसे पकाना है, ये इस टाइप का आपको टेक्सचर मिल जाएगा, ये डो मिल जाएगा। चलिए एक प्लेट ले लें, या इस तरह से चॉपिंग बोर्ड मैंने स्टील वाला ले लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के इसे ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए, या आप स्टील की प्लेट को भी ग्रीस करके कर सकते हैं। और ये जो डो हमने प्रिपेयर किया है ये इस पर ऐड कर लेंगे, ये देखिए, और इसको आप स्पैचुला के हेल्प से इसे फैला देंगे इस तरह से। और मैं इसको एक स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो गोल शेप दे सकते हैं। और ऊपर से भी इसे स्मूथ करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो ऊपर से स्मूथ करने के लिए मैं थोड़ा सा बेलन चला दूंगी इस तरह से, देखिए बेलन पे भी बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। और साइड में से इस तरह से हम कर लेंगे, बिल्कुल भी ठंडा होने का वेट ना करें, गर्म गर्म में ही इसे आपको इस तरह से शेप दे देना है। अब इसे कम्प्लीटली आपको ठंडा होने देना है, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए ये ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। आप जैसे चाहे वैसे से कट कर सकते हैं, मैं यहाँ ऐसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। स्क्वायर काटने के बाद आप इसको ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट, बिना चिपके ये एकदम से निकल के आया है। तो स्टील की प्लेट में भी आप इसे आराम से कर सकते हैं। एक पैन ले लेंगे और इस पर घी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच, और बाद में हम ये जो पीसेस हमने कट करे हैं ये इस पर डाल देंगे। ये देखिए दम झट से ये बन जाता है फ्रेंड्स। और सबसे अच्छी बात बताओ कि इसे आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में 10 दिन के लिए, और जब आपका मन करे आप इस तरह से इसको सेक के खा सकते हैं। डिप फ्राई भी नहीं है, आप इस तरह से भी फिंगर्स कट कर सकते हैं, या आप ट्राइंगल्स कट कर सकते हैं, जो भी शेप चाहे आप उसको कट कर सकते हैं। और इसको होने देते हैं हम, 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड होने में, लो फ्लेम पे ही आप इसे सेकिएगा। ये देखिए हल्के हल्के ब्राउन हुआ है, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा और करिएगा, दोनों साइड आपको अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। तो है ना बहुत ही कमाल की रेसिपी, जिसे आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं नाश्ते के लिए आप बना के रख दें, सुबह सुबह बस आपको फिर इस तरह से सेकना है, ना ही इसे डिप फ्राई करना है। बस 2 से 3 चम्मच घी में आप इतने सारे अच्छी तरह से कटलेट्स को आप सेक सकते हैं। तो है ना बहुत ही अलग और अनोखी रेसिपी, जो आप फटाफट बना सकते हैं। इसे मैंने सर्व किया है व्रत वाली चटनी के साथ, तो व्रत है तभी ये रेसिपी बनाए, ना है तो भी ये रेसिपी ज़रूर
बनाएं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, एकदम डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है फ्रेंड्स, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए, लग रहे हैं एकदम टेम्पटिंग, सच बताना मुंह में पानी आया या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अदरक भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ये फिंगर्स इस तरह से, या आप इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं। लग रहे हैं एकदम टेम्पटिंग, एकदम क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ा आ जाता है। इनफैक्ट अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस जाते हैं, तभी भी आप इसे आपके टिफ़िन में लेके जा सकते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। देखिए, चलिए मैं आपको इसको तोड़ के भी बता देती हूँ। ये देखिए, वाह, एकदम परफेक्ट और गर्मा गर्म, मज़ा आ जाता है फ्रेंड्स, एकदम पकौड़े वाली फीलिंग आएगी आपको। बट हमने इसे बहुत ही कम घी में बनाया है, तो इस तरह से आप व्रत वाली चटनी के साथ या आप दही के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी ये रेसिपी, कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप भी व्रत से रिलेटेड ही है। तो समा के चावल की एक और रेसिपी बताऊंगी, जिसे भगर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसे मैंने एक कटोरी ले लिया है, और कोई भी कटोरी ले ले, उसके अकॉर्डिंगली आप सारे मेजरमेंट ले लीजिएगा। इसे दो पानी से मैंने वॉश कर लिया है, ये देखिए। अब इसे पानी में ही रहने देती हूँ, और चलिए गैस की ओर चलते हैं। कढ़ाई रख लिया है, और एक बड़ा चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। देसी घी में ही बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक चम्मच जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च दो मैंने डाल दी है इस तरह से कटी हुई, कड़ी पत्ता डाल देंगे, और साथ ही मैंने यहाँ 6 से 7 काजू ले लिए हैं और उसको हाफ में कट कर लिया है। काजू ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। तो हम इसका उपमा बना रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए आलू। तो एक आलू को मैंने इस तरह से छोटा छोटा स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं ये रेसिपी, तो आप घी थोड़ा कम कर सकते हैं और आलू को टोटली स्किप कर सकते हैं। आलू के बदले आप कोई और वेजिटेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है, बट मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया है। तो कुछ मूंगफली साबुत है और कुछ क्रश की हुई, इसी तरह से आपको इसको रेसिपी में इंक्लूड करना है। और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक, फ्रेश अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हैं तो आप टोटली अदरक को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ अदरक को भी ग्रेट कर लिया है, चलिए इसे मिला लेते हैं। ये देखिए, बढ़िया, अब आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी सेंधा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं। तो नमक आपके स्वाद अनुसार आप डाल दें और इसे मिक्स कर लें, ताकि आलू में अंदर तक नमक चला जाए। और जो चावल हमने वॉश करे हैं, ये इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हम यहाँ बना रहे हैं इसका उपमा, बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। और ये आप अगर खा लेंगे एक बोल, तो बहुत ज़्यादा आपको फुल लगेगा और आपको भूखी नहीं लगने वाली है। तो एक कटोरी मैंने समा के चावल लिए थे, तो 2 कटोरी मैं इसमें पानी डाल दूंगी, परफेक्ट मेजरमेंट है फ्रेंड्स ये। इसको मिला लेंगे और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो चलिए, मिलती हूँ बाद में। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे खोल लेते हूँ और एक बार चेक कर लेती हूँ कि पानी सूख चुका है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है अभी, ये देखिए। तो मैं इसे कवर करके और 1 से 1.5 मिनट रखूँगी फ्रेंड्स। तो कवर करके रख लेते हैं और देखिए फ्रेंड्स, अब परफेक्ट ये बन चुका है, एकदम परफेक्ट, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है मुझे। चलिए इसे एक बार मिला लेती हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये परफेक्टली कुक हुआ कि नहीं। बस आपको इस तरह से दबा के देखना है कि चावल परफेक्टली कुक हुए हैं या नहीं। परफेक्टली कुक है तो आप इसके अंदर डाल दें लेमन लास्ट में, और गैस को ऑफ कर लिया है। ऑफ करने के बाद ही लेमन और फ्रेश धनिया डाल दें और इसे एक मिक्स दे दें, हल्के से ही आपको मिक्स करना है फ्रेंड्स, ये देखिए। और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म समा के चावल का ये उपमा रेडी है। इसमें है आलू, काजू और हमने डाला है पीनट्स, जो अपने आप में हमें फुल कर देता है। एक बोल अगर आप खा लेंगे ना, आपका पेट भर जाएगा बट मन नहीं भरेगा। इसे आप दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या ऐसे ही गर्मा गर्म भी आप इसे खा सकते हैं। मैं तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वेट लॉस कर रहे हैं तभी भी आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, मैं तो इसे जा रही हूँ खाने। आप कब बना रहे हैं, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है या नहीं, उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करिए। और ट्राई करते हैं तो वापस आके फीडबैक भी दीजिएगा।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की टिप्स एंड रेसिपी? कौन सी टिप या रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हो उसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो या कोई नई टिप हो आपके पास तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को घंटे के साथ। ये बिल्कुल भी फ्री है ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।